हेलो दोस्तों आपका स्वागत है विष्णु की टैग सिक्सटी नाइन में आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी जानकारी जो आपने कभी नहीं जानी होगी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस्तों आज हम बताएंगे आपको खोए हुए आधार कार्ड को कैसे प्राप्त करें यदि आपके पास आधार नंबर भी नहीं है यदि आपके पास आपका डी भी, भी नहीं है यदि आपके पास आधार से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं है तो हम ऐसी स्थिति में आधार कार्ड कैसे निकालें तो बताएंगे आपको आधार कार्ड निकालना तो हम अभी क्रोम खोलेंगे गूगल क्रोम में अभी हम यहाँ टाइप करेंगे यू आई डी ए आई ये आधार कार्ड की वेबसाइट है आधार कार्ड की वेबसाइट पे ऐसा पेज खुल के आएगा इसमें हम क्लिक करेंगे यू आई डी ए आई वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर जाएंगे इसमें से अभी भाषा का चयन करना है हमको हम किस तरह की भाषा का उपयोग कर सकते हैं किस तरह की भाषा की जानकारी हमको है तो अभी मैंने यहाँ इंग्लिश को क्लिक किया है यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी ये इसका यू का मुख्य पृष्ठ खुल के आएगा सामने इसमें यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं आप आधार से संबंधित मोबाइल नंबर वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं अभी मैं यहाँ क्लिक करूँगा इसके मेन्यू में के मेन्यू में जाने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे इसके बाद डालेंगे हम यहाँ डाउनलोड आधार कार्ड डाउनलोड आधार कार्ड क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने इस तरह का प्रश्न खुलकर आ गया है अब यहाँ से हम टैग करेंगे टैग करने के बाद हम अब मोबाइल में डेस्कटॉप साइट लेंगे डेस्कटॉप साइट लेने के बाद अब यहाँ फिर से हम यहाँ क्लिक करेंगे माई आधार पर क्लिक करेंगे माई आधार में फिर से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे हमारे सामने अभी ये भाषाओं का चयन करने के लिए आ भी हम यहाँ से इंग्लिश भाषा ले लेते हैं भाषा लेने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का फेस खुल कर आएगा अभी यहाँ से हमको डाउनलोड आधार में जाना है फिर से डाउनलोड आधार में जाने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा अब इसमें लिखा हुआ है डाउनलोड आधार यहाँ क्लिक करने से अगर आय आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ क्लिक करके आप निकाल सकते हैं उपलब्ध कर सकते हैं यहाँ से अगर आपके पास आधार नंबर या आधार से संबंधित कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है तो आप सबसे लास्ट के देखेंगे यहाँ लिखा है ई आई डी यू आई डी रिट्राइव ई आई डी आधार यानी भूले हुए आधार नंबर को पुनः प्राप्त करें तो यहाँ क्लिक करेंगे हम यहाँ क्लिक करने के बाद आधार नंबर या एनरोलमेंट नंबर हम क्या नंबर चाहते हैं तो अभी हम चाहते हैं आधार नंबर तो आधार नंबर में यहाँ क्लिक करेंगे किस नाम से हमने आधार हमारा था अभी जैसे मान लीजिए मेरा है विष्णु कुमार तो हम यहाँ विष्णु कुमार टाइप करेंगे हमने आधार बनवाते समय अपना कौन सा मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर टाइप करेंगे यहाँ जैसे कि मेरा है नाइन ज़ीरो वन टू फोर सिक्स फोर टू एट सेवन अभी यहाँ अगर मेल आईडी आपके पास है आपके पास मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है आपका मोबाइल सक्रिय या चालू नहीं है ऐसी स्थिति में आपके पास अगर मेल आईडी है तो आप यहाँ मेल आईडी डाल सकते हैं यदि या, आपके आधार में लिंक है तो अभी मैं यहाँ कैप्चा भरूँगा कैप्चा भरने के बाद आगे की प्रक्रिया हम बताएंगे अभी यहाँ टू अभी यहाँ सेंड ओ टी पी यहाँ से ओ प्राप्त करेंगे अभी मेरे मोबाइल पे यहाँ से ओ भेजा गया है अभी मैं वो ओ टी पी डालूँगा ओ मेरा मुझे प्राप्त हुआ है ये फाइव अभी मैं यहाँ सबमिट क्लिक बटन करूँगा योर आधार नंबर जनरेटेड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेरा आधार कार्ड का जो नंबर है अभी मेरे मोबाइल नंबर पर उपलब्ध हुआ है मुझे टेक्स्ट मैसेज के द्वारा अभी यहाँ आप देख सकते हैं ये तो रहा आपका ओ उसके बाद मुझे आधार नंबर उपलब्ध हुआ है बाई मैसेज अब यहाँ से हम इसको बंद करने के बाद पुनः मेन्यू पर जाएंगे मेन्यू पर जाने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे डाउनलोड आधार अभी जो मैसेज से प्राप्त आधार नंबर मुझे मिला है वो यहाँ टाइप करेंगे यहाँ टाइप करने के बाद यहाँ कैप्चा कोड जो दिया हुआ है ये भरेंगे सेंड ओ अपने मोबाइल पर उपलब्ध ओ नंबर डालेंगे डालने के बाद हमको आधार जो है डाउनलोड हो जाएगा थैंक यू सो मच दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें बहुत बहुत धन्यवाद